हेलो, आई एम मंजुषा यादव। आई एम टीचिंग टुडे क्लास 12th आरबीएससी रिपोर्ट राइटिंग। व्हाट इज अ रिपोर्ट? अ रिपोर्ट इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ इश्यू ऑफ अ प्रॉब्लम। इट कैन बी ऑफ वन पैराग्राफ और मोर देन वन पैराग्राफ। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? कोई भी एक समस्या है उसका हम लेखा जोखा लिख सकते हैं। ये एक पैराग्राफ में या एक से अधिक पैराग्राफ में लिखा हुआ हो सकता है। इट इज़ अ रियल और जेन्युइन डिस्क्रिप्शन और स्टेटमेंट अबाउट समथिंग विच ब्रिंग्स द रीडर्स बैक टू द सिचुएशन दैट हैज बीन सीन हर्ड और डन बाय अ पर्सन। ये वास्तविक लेखा जोखा होता है जो किसी भी पाठक को उस सिचुएशन से रूबरू कराता है जैसा कि वो व्यक्ति देख चुका है, सुन चुका है और कर चुका है। A newspaper report is very brief, factual, statistical, authentic, accurate and based on eyewitnesses, authentic and accountable personal or officials or person. एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट बहुत ही संक्षिप्त होती है, वास्तविक होती है, आंकड़ों पर और तथ्यों पर आधारित होती है और जो है गवाहों पर भी आधारित होती है। What should be included in reports? रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ों को समाहित किया जाता है? एक्सीडेंट, अगर हम किसी एक्सीडेंट का वर्णन कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ हैपेंड। वो एक्सीडेंट क्या था, कहां पर था, कब हुआ और कैसे घटित हुआ। लॉस ऑफ लाइफ, लाइफ प्रॉपर्टी, किस तरीके से जीवन का जो है और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ वहां पर। डिटेल्स अबाउट रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, और ऐसी स्थिति में क्या क्या जो है वहां पर बचाव कार्य किए गए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटेबल पर्सन, प्रॉप, ग्रांट, वार्निंग, कमेंट, अपील एक्सेट्रा। उस एक्सीडेंट के प्रति जो है क्या क्या सहायता दी गई, क्या चेतावनी दी गई, क्या टिप्पणी या क्या अपील की गई, ये सब चीज़ें जो है एक्सीडेंट अगर हम वर्णन करते हैं किसी भी रिपोर्ट राइटिंग में तो हमें लिखना पड़ेगा। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट्स? अगर हम इवेंट्स जो है उसको रिपोर्ट राइटिंग के रूप में लिख रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ेगी। नेम ऑफ द इवेंट या ओकेशन, हमें उस इवेंट या ओकेशन का नाम लिखना पड़ेगा। किस डेट, किस टाइम, किस वेन्यू में जो है वो हम उस इवेंट को मना रहे हैं वो सारा वर्णन करना पड़ेगा। कल्चरल एक्टिविटीज़, अगर हमने वहाँ पर कोई की है, चीफ गेस्ट इनवाइट किए हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, और अंत में हम जब किसी भी कार्यक्रम के अंत में वोट ऑफ थैंक्स या धन्यवाद जो देते हैं वो भी हमें लिखना पड़ेगा। अफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग के क्या टिप्स हैं वो हम जान लें। सबसे पहले राइट टाइटल इन द मिडिल, रिपोर्ट राइटिंग के मध्य में आप एक टाइटल लिखें। अंडर द हेडलाइन राइट द नेम ऑफ रिपोर्टर, पोस्ट एंड पोजीशन, और उस हेडलाइन के नीचे रिपोर्टर का नाम, उसकी पद और उसकी जो भी स्थिति है उसका वर्णन करें। इसके बाद आप जब रिपोर्ट राइटिंग जैसे ही शुरू करेंगे तो आपको प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग लिखनी पड़ेगी। ओपन इट विथ प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग, पुट कॉमा एंड देन राइट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, और उसके बाद में आपको जो है वो डेट लिखनी पड़ेगी जिस डेट को आप रिपोर्ट कर रहे हैं उस राइटिंग को। देन पुट अ डैश, उसके बाद आप डैश लगाएंगे। आफ्टर दैट गिव द डिटेल्स फ्रॉम द सेम लाइन, और आप उसी लाइन से, उसी पंक्ति से जो है उस रिपोर्ट से संबंधित सारा वर्णन जो है लिखना शुरू कर देंगे। कीप इट पर्पजफुल, कंसाइज, क्लियर एंड फैक्चुअल। रिपोर्ट राइटिंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण और संक्षिप्त, स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, और हमें हमेशा ऑब्जर्व वर्ड लिमिट, हमें शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, जिसे आरबीएससी बोर्ड परीक्षा में जनरली रिपोर्ट राइटिंग जो है वो 100 वर्ड्स की लिखने के लिए आती है और 7 मार्क्स का वेटेज होता है। नीचे एक एग्जांपल दिया है मैंने कि किस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं किसी भी रिपोर्ट राइटिंग की। सबसे पहले हम कैपिटल लेटर में उसके टॉपिक को लिखेंगे, जैसे यहाँ मैंने लिखा है सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन, और रिपोर्टर का नाम लिखा है बाय अजय के द्वारा लिखी गई है ये, और ये स्टूडेंट इवेंट मैनेजर की पोस्ट पर जो है वो काम कर रहा है तो वो मैंने यहाँ पर इंगित किया है। और किस सिटी की ये रिपोर्ट राइटिंग है, धौलपुर, किस डेट की है, 11 जनवरी, और किस तरीके से हम इसको स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड स्कूल सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन विद ग्रेट एम्फेसिस एंड फन, और इसके आगे हम इस तरीके से इसका वर्णन करेंगे। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम रिपोर्ट राइटिंग जो आरबीएससी में 7 मार्क्स का होता है उसको किस तरीके से इफेक्टिव वे में हम लिख सकते हैं। थैंक्स।